मंदसौर जिले के हर थाने में आगामी त्योहार को देखते हुए शांति समिति की बैठक आयोजित की जा रही है। इसी कड़ी में नाहरगढ़ में आगामी त्योहार होली को देखते हुए नाहरगढ़ नगर शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु बुधवार शाम को नगर थाना परिसर शांति समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें शांति समिति के सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में त्योहार को भाईचारा व सौहार्दपूर्ण वातावरण में शांतिपूर्वक बनाने की अपील की गई है। पदाधिकारियों ने कहा है कि इस मौके पर शांति भंग करने वाले शरारती तत्वों मनचलों पर पुलिस कड़ी नजर रहेगी। गड़बड़ी करने पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। होली का त्योहार आपसी पूरे भाईचारे एवं शांति तरीके से मनाया जाए। इस अवसर पर नायब तहसीलदार श्री संजय मालवी, SDO श्री शेर सिंह भूया, थाना अध्यक्ष श्री श्री निनामा, SI श्री सुरेंद्र जिटोदिया, ASI श्री विजय सिंह चौहान सहित समस्त स्टाफ एवं पत्रकार साथी एवं नगर की गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। होली का पर्व जो आने वाला है तो होली का दहन, धुलेंडी, रंग पंचमी और रंग तेरस, ये त्यौहार शांतिपूर्वक तरीके से नगर में मनाए जाएँ, किसी प्रकार का कोई तनाव उत्पन्न न हो, इस विषय को लेकर के सभी समाजों की बैठक रखी गई थी, जिसमें वरिष्ठ नागरिक जन उपस्थित रहे, जिन्होंने अपने अपने सुझाव दिए। प्रशासन की तरफ से हम और तहसीलदार साहब रहे, जिन्होंने बताया कि भाई कोई भी गैर वादी निकालने के पहले विधिवत उसकी अनुमति प्राप्त कर लें एवं अनुशासन बनाए रखें, त्यौहार की मर्यादा कायम रखें, आपसी प्रेम सद्भाव और समरसता के साथ में त्यौहार मनाएं, इस बात की सभी को समझाइश दी गई और सभी के सुझाव लिए गए। मंदसौर से ललित शंकर ढाकर की रिपोर्ट।